मैया का चढ़ाने के काम आएगा ना पहला फूल उस पेड़ का। ये पहला फूल हमारे पेड़ का, इसको भी सामने रख देता हूँ। हाँ, रात में मसूर और सेव मिलाना भूल गई थी। इस बार मैंने मसूर और बारीक सेव घर में नहीं बनाए, अलग से ले आए थे नमकीन में मिलाने के लिए। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, अब नाश्ते की प्लेट लगा ली तब याद आया कि रात में तो मसूर और सेव मिलाना भूल ही गई थी, तो अब इसको मिक्स कर रही हूँ। चिवड़ा मिक्स हो चुका है, देन ब्रेकफास्ट करके थोड़ा बहुत बातचीत करके गपशप करके हम लोग आ गए टेरेस पे, तो ऊपर आ गए होली खेलने के लिए। और ये देखिए देव रेडी हो चुका है होली के लिए, उसके लिए जो सारी चीज़ें लाई थी वो सब लेके, उसकी एक्साइटमेंट आपको पिक्स देख के ही पता चल रही होगी। बेटा रुक जा, ऐसे पुराना नहीं पिचकार है बेबी, कि सबके मैसेज आ रहे हैं होली के, सबको लिख देना। मोबाइल है, हम लोग आ गए हैं ऊपर, अब थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करेंगे। देव के एग्जाम से तो बहुत ज्यादा ऐसा, जैसे लास्ट ईयर खेले थे एकदम गिर गिर के, बवाल नहीं होते। तो लास्ट ईयर के लिए हम लोग गिर गिर के तो नहीं खेलने वाले इस बार। काफी तेज धूप भी है, आपको पीछे से बाजों की आवाज भी आएगी, लोग खेल रहे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हम लोग आ गए हैं अभी छत पे, देखो ना सीटू, हैप्पी होली एवरीवन। आज क्या सुबह से कॉल्स आ रहे हैं ना, तो सेम टाइम आदत हो गई है, दिमाग खराब हो गया। दे सबको विश कर दो हैप्पी होली, हैप्पी होली गाइस, हैप्पी होली एवरीवन, हैप्पी होली एवरीवन। भगवान आपकी सभी की मनोकामनाएं पूरी पूरी करे इस साल, आपकी सारी विशेस फुलफिल हो, फुलफिल हो आपका। बेटा रुक जाना है, आधा पता डर सा लगा, फिर आंखों में पानी ना चला रहा है, आधा आधा इधर जा रहा है। देव नहीं, देव रुक जा बेटा, इसको देव आप सभी को दीदी बताएं, आप सब के वो आया नहीं था क्या पिछले बार, आप सभी दस रक्षाबंधन का त्योहार खूब पटाखों के साथ चला। पापा ये वाला भर लेता हूँ पिछले बार। हाँ जी, तो आपको दूर दूर तक छतों पर लोग नहीं नजर आएंगे, क्योंकि हम लोग काफी लेट आए, लोग खेलकर नीचे उतर चुके हैं और अब सड़कों पर हैं, और बैंड बाजे की आवाज आ रही है, लोग खेल रहे हैं, जहाँ पे कई जगह ऑर्गेनाइज भी कराया गया है। बट स्वीटू को भी एक जगह से इनवाइट था, बट स्वीटू नहीं गए, फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना चाहते थे, तो बस मिलकर आ गए थे मॉर्निंग में एक बार। टेंशन मत ले, और नहीं क्या है, पूरा निकल जाएगा, निकल जाएगा एक सेकंड में। चलो रुक जा, रुक रुक रुक, ये देख बालून, देख देख मम्मी बालून। जिम गया, कुछ भी करते हो, जिम जाके बॉडी बना के आ गया, निकालो उसको, अच्छा नहीं लग रहा, कोई जरूरत नहीं है बच्चे को बॉडी बनाने की, मेरे पास मत फेंकना, मेरे हाथ में मोबाइल है। देख उधर मत जा, उधर मत जा, बचा उधर मत जा, उधर मत जा, वहां मत जा, कोई गिर जाएगा, फेंको इसको। अरे कहाँ गया? देख नहीं पाऊंगी तो कहां से करूंगी।
रुक जा। अरे रुक जा आप। कुत्ता ही नहीं। अरे क्या कैसे बना आसे? कैसे बना पहले? मेरे को फर्क नहीं पड़ता। हो गया होली वोली खेल के, अब सीटू लग गए हैं काम पे। सीटू साथ धो रहे हैं। मैं भी धो सकती थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सीटू ने कहा कि मैं ही धोऊंगा। तुमने नहीं बोली मैं धोती हूँ, आपने बोले रहती तो नहीं करेगी, मैं कर देता हूँ। खाना है ना, खाना मिलना ज्यादा जरूरी है। बोलते तो थक जाएगी, मैं धो देता हूँ, खाना मिलना ज्यादा जरूरी है। Thank you.
स्वामी के लिए वो रश्मि अपनी इच्छा से वो रश्मि के झाड़ू कंटा भी कर कौन है सामने लाओ मेरे असली गंध तो ये एरिया अभी तो ये पूरा धोना बाकी है। अरे एक बार कहूँ अपन धोएंगे पिछड़ पिछड़ होगा तो नीचे चले जाए हम लोग धो के आएंगे इधर पैर के निशान पड़ेंगे ना सुखाएंगे कैसे गरम पानी अब ठंडे से नहाना चालू आज से मम्मी क्या हुआ जा जा पूरा सामान लेके जा और दरवाजा बंद करके अंदर हो जाना तो आते हम लोग धोधा के भूख लगी है भूख लगी था तेरा नमकीन ढका हुआ रखा है दही बड़े रखे कुछ नहीं खाएगा अभी हाँ। अच्छे से नहा जैसे हम लोग आके नहीं बोल देंगे ना कि नहा के रंग निकल गया है और कपड़े को मशीन में मत डाला बाहर ही रखना जा तो एक काम करेगी तू उस तरफ दूसरे तरफ खड़े रहे तो वहां से बाल्टी देना मेरा पैर गंदा करो मैं फायदा चले जाएगा कौन सी बाल्टी दो वो बाल्टी पकड़ लेगा धुली है ना आप लोगों ने अभी लास्ट ईयर का उसके लास्ट ईयर का भी होली ब्लॉग देखा होगा तब हमने बहुत बहुत ज़्यादा होली खेली थी और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से खेली थी। अब एग्ज़ाम में तो ज़्यादा देर तक खेल भी नहीं सकते थे वरना ज़्यादा देर पानी में रहेगा तो देव को फीवर आने का डर था और दूसरी बात ये रेंटेड हाउस है तो हम रेंटेड हाउस में एक इंसान की लिमिट होती है हम बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं पानी का मिसयूज़ कर सकते थे तो लिमिटेड तरीके से खेली है और ऑर्गेनिक कलर से खेली है तो ईजिली निकल भी गए। ये रहा वो कूड़ा जो हमने फैलाया था छत पे बलून वाला और बाकी अब क्लीन करते करते उतना लास्ट तक तो पहुंच ही गए एकदम लास्ट वाला बचा हुआ है अभी और सीटू काफ़ी थक चुके हैं देव गया है नीचे नहाने के लिए खैर अपने हाथ से तो पूरा वो नहीं कर पाएगा क्लीन लेकिन जितना निकाल ले फिर जाने के बाद उसको नहलाते हैं और फिर खाना बनाते हैं अभी तक लंच वगैरह नहीं बना है तो पहले तो सब कुछ बहुत सारा कुछ बनाने का तामझाम का प्लान था तो जैसे कि हर साल आप लोगों ने देखा है लास्ट वाले ब्लॉग में भी उसके लास्ट ब्लॉग में हमारे यहाँ दही भल्ले बनना ही बनना है होली के दिन देख फर्स्ट टाइम होगा कि दही भल्ले की दाल तो भिगी हुई है पर दही भल्ले नहीं बन पाएंगे उसका रीज़न ये है कि कल हम लोग जब गए लास्ट मोमेंट पे दही मिला नहीं और आज जब कॉल किया हम लोग लेट तो क्यों उठे हमको भैया ने बता दिए थे कि 9:30 से 10 के बीच में आ जाना लेट तो क्यों उठे शॉप बंद हो चुकी है सबका फेस्टिवल है तब दही मिलेगा नहीं तो अब उस दाल का कुछ अभी हो नहीं सकता तो फिलहाल दही भल्ले नहीं बन सकते तो अब मटर पनीर की सब्ज़ी और इतने थक गए तो अभी तो सिर्फ सब्ज़ी और राइस बनाऊंगी सोच रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी और चावल और रायता खाएंगे और प्रभु जी के गुण गाएंगे क्यों स्वीटू दाल चावल खाओ नहीं दाल भी बनाओ फिर मटर पनीर के साथ दाल खाओगे मतलब दाल सब्जी नहीं बोलते दाल चावल बोलते मेरे को लगा मटर पनीर के साथ कब से स्वीटू दाल खाने लगे बोलते हैं कि दाल चावल आपको दिखाती हूँ आज आसमान कितना खूबसूरत दिख रहा है साथ में सबसे ज्यादा हैंडसम मेरे स्वीटू तो आप तो हैंडसम तो बहुत से लड़के होते हैं लेकिन हैंडसम के साथ ब्यूटी बहुत कम में होती है जो कि आप में है ये सिर्फ मैं ही नहीं बोलती मेरे ससुराल तरफ के बहुत सारे रिलेटिव बोलते हैं क्यों स्वीटू मतलब मेरे ससुराल तरफ में मोस्टली रिलेटिव यही बोलते हैं कि इनके लिए कि हैंडसम तो बहुत सारे लड़के होते हैं बट एक होता है ब्यूटीनेस तो इनके अंदर वो भी है साथ में मतलब चेहरे की खूबसूरती आँख नाक वो सब तो इसको मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड है तो मैं तारीफ़ कर रही हूँ इनका सारा फ्रेंड सर्कल बचपन से जितने सारे लोग ये जानते हैं मेरे ससुराल तरफ के सारे रिलेटिव्स एक एक पर्सन यही तारीफ़ करता है हमेशा स्वीटू के लिए कि ये बंदा ना हैंडसम के साथ मतलब ब्यूटी भी है इसके फेस में ये सच्ची वाली तारीफ़ है एक इंसान करे तो चलो हो सकता है कि पति है तो कर रहा है बट जहाँ पर इनकी कंपनी में इवन के सब लोग बोलते हैं इनके साथ जितने लोग जॉब किए अलग अलग कंपनीज में वो भी बोलते हैं तो ये एक तारीफ है। यहाँ पे स्वीटू ने चाय चढ़ा दी है यहाँ स्वीटू आज पूरा घर ही धो रहे हैं छत धो ली है फिर बोलते हैं कि मैं घर ही धो लेता हूँ पूरा क्योंकि घर में भी पैर हमारे आ ही गए थे ना ये रही मैं स्वीटू कुछ बोल रहे थे अभी देव के बारे में क्या बोल रहे थे अच्छा इस दुनिया में ना बच्चों का रहता है पूरे मजे करो पूरा गंद मचा दो घर में कोई मतलब नहीं है ना बोला आप बोलो पूरा गंद मचा दो घर में नहलाएंगे भी माँ बाप साफ सुथरा करके राजा बाबू बना के बैठा भी देंगे और फिर खाने को भी दे देंगे प्लेट भी दे देंगे प्लेट करके और वो भले उनका डोरेमोन भला कोई मतलब नहीं दुनिया से तेल लगा दुनियादारी
अभी थोड़ा सा बेडरूम ऐसे ही है, फैला हुआ है मैसी मैसी सा। वो देखिए पूरा रूम ही फैला हुआ है, कवर नहीं है बेडशीट में ठीक से, और देख आराम से मजे ले रहा है। हां जी, तो आप देख सकते हैं स्वीटू ने पूजा रूम भी पूरा क्लीन कर दिया है, धोया ही है इसको। इसके पीछे से भी इन सबको भी हटा के कर दिए हैं, यहाँ पीछे से भी पूरा क्लीन करें क्योंकि हाउस हेल्प नहीं करती, इसको छोड़ देती है। ये हमारे होली के कपड़े। अब मैं चाय छान देती हूँ, मैं नहाई नहीं, बट मैंने चेंज जरूर कर लिया है क्योंकि अभी चाय वगैरह के लिए किचन में आ रहे हैं ना, बार बार गंदा हो रहा है, धुली हुई चीजें गंदे हो जाती है। मैं लास्ट ईयर के और लास्ट ईयर वाला भी दोनों होली के व्लॉग्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप जाकर जरूर देखिएगा। हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया था, आज का भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी, रब रखा, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी होली।